एससीपीज के दीवानों ओ की आचाले। चलो आज ये बताओ कि SCP-3199 यानी ह्यूमंस रिफ्यूटेड में इनमें से किस जीव का डीएनए मौजूद है। ए मुर्गे का, बी कुत्ते का, सी पांडा का। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट आई नो एससीपी के सच्चे फैंस इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देंगे, तो फटाक से कमेंट पेल दो क्योंकि शायद आप ही का कमेंट पिन हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। यह है एससीपी काउंटडाउन का सेकंड एपिसोड जिसमें मैं कराऊंगा आपको रूबरू कुछ मजेदार एससीपी से, वो भी इन अ सिंगल वीडियो। तो आज के एससीपीज हैं एक मुर्ग दानव जो इंसानों का सूप बना के पी जाता हूं, एक मैनिक्विन डमी जो हर निबा की निब्बी बनना चाहता हूं, और एक ऐसी कॉफी मशीन जो दुनिया की सारी ड्रिंक्स चुटकियों में बनाता हूं और जिसे पी के कनिष्ठम थुड़थुड़ी अपादम सुरसुरी प्राण घटक। वीडियो को देखना पूरा, सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आया लाइक। SCP-3199 Humans Refuted Object Class Keter। जरा सोचिए एक मुर्गे और हम ह्यूमंस का हाइब्रिड कैसा दिखेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आई और आप हंस रहे हैं तो रुको, जरा सबर करो, क्योंकि SCP-3199 also known as Humans Refuted एक ऐसा ही जीव है जो मुर्गे और चिंपैंजी के साथ साथ स्टोर्ट यानी एक तरह के नेवले जैसे जीव, एक फ्रेश वाटर मसल वही जिनसे मोती निकलते हैं, एक वाइपर यानी सांप और इंसानी डीएनए से मिलकर बना है। अब इन क्रिएचर्स का एक ही मकसद है, ढेर सारे बच्चे पैदा करना और अपनी आबादी बढ़ाना, जिसके लिए ये भड़ाभड़ अंडे देते रहते हैं वो भी मुंह से, और इस दौरान इन्हें बहुत तकलीफ होती है। अब अगर इस जीव से किसी का सामना हो जाए ना तो भाई मुझसे लिख के ले लो, उसकी फटके चार हो जाएगी। इसे देखते ही पहले आप कहोगे अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, बस फिर ये घुमाएगा अपनी गर्दन लाइक दिस। पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ, तेरी मौत। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं, इससे भी ज्यादा 340 डिग्री यानी लगभग पूरे राउंड में। लेकिन कैसे? तो ऐसे कि इसकी हड्डियां वड्डियां नहीं है, कार्टिलेजेस हैं जो इजीली बेंड हो सकती हैं। नाउ ये क्रिएचर दरिंदे होते हैं और इंसान दिखा नहीं कि उस पर हमला कर देते हैं, देन उस शिकार के इंटरनल ऑर्गन्स को अपने एसिडिक थूक से पिघलाकर उसकी स्किन की थैली बनाकर अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। बच्चे खुश एकदम, मम्मी खाना, मम्मी मम्मी मम्मी। भाई इंसान का सूप जो आया थैली में वो भी सीधे होम डिलीवरी। अब सबसे भयानक बात तो ये है कि इन जीवों को एंटायरली खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो है इनका अंडा जो पत्थर से भी हार्ड है, मतलब उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता और उससे बच्चा निकल कर ही रहेगा। दूसरी बात तो ये है कि हर SCP-3199 के अंदर एक अंडा जरूर होता है, और अगर तुम किसी SCP-3199 को मार भी दोगे तब भी वो अंडा बचा रहेगा और एक नया SCP-3199 जरूर पैदा होगा। SCP-294 द कॉफी मशीन, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे SCP से डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। That's why I drink नींबू पानी। एक बार पियो कि तुम्हारे बारे में कुके नींबू पानी गैस पूरी 20% ठंड पे। यार और तो जो भी है ना पाजी के लिए कमेंट्स में ठंड पे ओपी कर दो यार, ठंड पे। तो अगर आप भी हैं मेरी तरह पीने के दीवाने, नींबू पानी, गन्ने का जूस वगैरह वगैरह, तो ये SCP आपके लिए है। ये है SCP-294 जो कि एक कॉफी वेंडिंग मशीन है जिस पर लगे कीबोर्ड से इनपुट देकर आप कोई भी लिक्विड ऑर्डर कर सकते हो। बस 50 सेंट्स का सिक्का यानी 35 रुपए डालो और कुछ भी मंगा लो। नाउ जब से ये एससीपी मशीन फाउंडेशन के हाथ लगी है तब से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर 97 टेस्ट परफॉर्म कर दिए हैं, जिसमें बेवरेजेस जैसे वाटर, कॉफी, बियर, सोडा तो इस मशीन ने आराम से प्रोड्यूस कर दिए, साथ ही साथ नॉन कंज्यूमेबल लिक्विड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, गाड़ी धोने का वाइपर फ्लूइड, मोटर ऑयल एटसेट्रा भी इस मशीन ने इजिली बना दिए, और ऐसे सब्सटेंसेस जो यूजुअली लिक्विड फॉर्म में नहीं होते जैसे नाइट्रोजन, आयरन, ग्लास एटसेट्रा, वो भी निकालने में इसे देर नहीं लगी। बट जब इसमें डायमंड्स यानी हीरे इनपुट दिया गया तो इसने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, क्योंकि शायद ये सिर्फ उन्हीं चीजों को बना सकता है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब फाउंडेशन ने पैसे बचाने के चक्कर में इस मशीन को कैंटीन में सबके यूज के लिए रख दिया था। बट 21 अगस्त 2005 को एक ऐसी घटना हुई जिसमें इस मशीन ने एक एजेंट को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। एजेंट जोसेफ को सुबह सुबह कॉफी पीने का मन हुआ, वो SCP-294 के पास गए और ऐसे ही मजे मजे में मशीन में अ कप ऑफ जो फीड कर दिया, यानी एक ग्लास भर के उसने खुद को ही मंगा लिया। ऑर्डर कंफर्म हुआ, ग्लास में एक लिक्विड निकला और सामने खड़ा एजेंट जोसेफ बेहोश हो गया। बाद में टेस्ट से पता चला कि कप में निकला लिक्विड एजेंट जोसेफ का ब्लड, टिश्यूज और शरीर के दूसरे लिक्विड्स का मिक्सचर था। मतलब अगर किसी को टपकाना हो तो 35 रुपए डालो, उसका नाम इनपुट कर दो और ये मशीन उसका खून चूस चूस के उसे अंदर से खोखला कर देगी। बाकी आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप लिखोगे अ कप ऑफ क्लास 12 फिजिक्स और उस ड्रिंक को पी जाओगे तो आपको कुछ घंटों के लिए क्लास 12 की पूरी फिजिक्स आ जाएगी। रिजल्ट विदाउट SCP-294।
मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। रिजल्ट आफ्टर ड्रिंकिंग ज्ञान का शरबत फ्रॉम SCP-294। ये पास हो गया पप्पू, पास हो गया। SCP-847 द मैनिक्विन, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। क्या आप सिंगल हैं? हाँ। क्या आप एक निबी के निबा बनना चाहते हैं? हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ये भी है ना? अरे हाँ भाई हाँ। तो मैं लाया हूँ आपके लिए SCP-847, जो आपके प्यार की भूखी है और एक ऐसी निबी है जो आपसे निबा वाली बकचोदियाँ भी नहीं कराएगी। अरे सही में भाई, SCP-847 एक टूटी फूटी फीमेल मैनिक्विन है जो एक फाइब्रस पॉलीमर से बनी हुई है जो पोरिसिलिन यानी चीनी मिट्टी जैसा है। टेस्ट से पता चला है कि इसकी बॉडी के अंदर हमारे जैसे ही बट इनकम्प्लीट हड्डियों के सेट्स, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा मौजूद हैं, जो सभी उसी पॉलीमर से बने हुए हैं। अब कभी कभी इसकी आंखों और इसके शरीर के टूटे हुए हिस्सों से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो पिघले हुए प्लास्टिक जैसा है। It's a liquid which was used to preserve dead bodies in the past during a process known as plastination. अरे कहना क्या चाहते हो? अरे आई मीन वो लिक्विड शायद वो रेजिन है जो पास्ट में मरी हुई डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता था। नाउ ये मैनिक्विन जिंदा है और तीन तरह के बिहेवियर पैटर्न्स शो कर सकती है। मतलब इन सिंपल टर्म्स ये तीन तरह से नौटंकियां कर सकती है, पैटर्न जी, पैटर्न वाई और पैटर्न एक्स। पैटर्न जी, जब आसपास 50 मीटर की रेंज में कोई इंसान नहीं होता, तब 847 99.5% टाइम्स चुपचाप शांत रहती है। इस दौरान ये बड़े शीशे के आगे जाके अपनी ड्रेस के, अपनी बॉडी के जलवे दिखाते हुए पोज भी मारती है। पैटर्न वाई, जब आसपास सिर्फ लड़के ही मौजूद होते हैं, तब ये जोर जोर से हाफने की, सांस लेने की आवाजें निकालने लगती है और अपनी अदाएं दिखाते हुए लौंडो को लुभाने की कोशिश करती है। You're teasing me, you naughty, naughty. देन 3-5 मिनट बाद वो खड़ी हो जाती है और लौंडे की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगती है और फिर जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। कतई ठरकी हो रही है भाई गॉड। बाकी इस दौरान वो लड़का इसके साथ जो भी छेड़छाड़ करना चाहे कर सकता है। शी डजंट माइंड। ना ना, ये सिर्फ इंसानों के आगे नाचती है। आफ्टर दैट जब वो लड़का चला जाता है तो 847 का दिल तो पता नहीं बट पूरा शरीर टूटने लगता है और वो बेचारी रोने लगती है। पैटर्न एक्स, जब आसपास 50 मीटर की रेंज में कोई लड़की होती है, लड़के हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी लड़कियां देखकर 847 का मूड खराब हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उस लड़की पर झपट जाती है। फिर होती है कैट फाइट, बिल्लियों की नहीं कुड़ियों की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ इस बिहेवियर के दौरान वो 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ सकती है और उसके बाजू 40,000 न्यूटन के फोर्स के साथ कुटाई कर सकते हैं। वो अपनी पोरिसिलिन वाली स्किन तोड़ती है और उन शार्प टुकड़ों को अटैक करने के लिए यूज करती है। फाइट के दौरान उसकी बॉडी से वही लिक्विड लीक होने लगता है और अगर वो लिक्विड सामने लड़की पर गिर जाए ना तो भाई वो लड़की भी धीरे धीरे इसी की तरह एक मैनिक्विन बनने लगेगी। एंड देन 847 उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को तोड़कर अपने पार्ट्स के साथ रिप्लेस कर देगी। तो इसलिए सभी लड़कियों को मेरी सलाह है, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सतर्क रहें। बागी लौंडो, तुमसे तो यार क्या कहूं, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।